का मंत्री बयान दे रहा है, तेजस्वी यादव को पता नहीं है ये दलगत मामला है, दल वाले ही उनसे कहलवाते हैं कि आप बयान दीजिए ताकि समाज में विद्वेष बढ़े, कि ये लोग जीवन में कभी सकारात्मक राजनीति तो किए नहीं है, ना इनके बाबूजी ने किया, ना माताजी ने किया, ना ये खुद करते हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। ठाकुर के बयान पर बिहार में राजनीति खूब हो रही है। जहां एक तरफ बिहार सरकार को तमाम विपक्ष की पार्टियां घेर रही है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुद मनोज झा के बचाव में उतरे। उसके बाद भी अब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी मोर्चा खोल दिया है। प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर जमकर हमला किया और साफ तौर पर कह दिया कि बिहार सरकार अपने मंत्रियों से और नेताओं से जानबूझकर ऐसी दिलवाती है ताकि जनता अहम मुद्दों से भटक जाए, और यही कारण है कि बिहार सरकार ने मनोज झा से ऐसा बयानबाजी करवाया ताकि जनता इस वक्त बिहार में बढ़ते अपराध और बेरोजगारी को भूलकर ठाकुर वर्सेस राजपूत में रह जाए। तो क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, हम आपको पहले सुनवाते हैं। ये कैसे संभव है कि उनका मंत्री बयान दे रहा है, तेजस्वी यादव को पता नहीं है? आपको लगता है कि आरजेडी में कोई मंत्री बार बार बयान दे देगा? सुधाकर सिंह ने बयान दिया तो कितना दिन मंत्रालय में रहे? वो जगदानंद सिंह के लड़के हैं, इसके बावजूद उनको पद छोड़ना पड़ा। ये दलगत मामला है, दल वाले ही उनसे कहलवाते हैं। और जहां तक उस विषय को कहना चाहिए कि नहीं, तो कोई भी आदमी बता सकता है कि भाई आप बजाय इसके कि उलूल जलूल अनर्गल बात पार्टी के कहने पर, पार्टी के नेताओं पर के कहने पर, ये सब पार्टी वाले कराते हैं कि आप बयान दीजिए ताकि समाज में विद्वेष बढ़े, आपस में मारपीट हो, आपस में झगड़ा लड़ाई हो, बात विवाद हो, पत्रकार भी उसी में पड़ जाए और मूल विषय जो है पढ़ाई का, रोजगार का, विकास का, वो कहीं चला जाए हाशिए पर। को अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को भी सलाह देना चाहिए और सबसे पहले अपने मानना चाहिए, और फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। खुद ही ये लोग बयान दिलवाते हैं ताकि समाज में आपस में पोलराइजेशन हो, हिंदू मुस्लिम हो, अगड़ा पिछड़ा हो, और उसी पर रोटी सेकते हैं, उसी पर राजनीति करते हैं। और अब बात कर रहे हैं सकारात्मक राजनीति का, तो उनके लिए अच्छा है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये लोग जीवन में कभी सकारात्मक राजनीति तो किए नहीं है, ना इनके बाबूजी ने किया, ना माताजी ने किया, ना ये खुद करते हैं। तो मीडिया को नसीहत दे रहे हैं, तो ये मीडिया को खुशी होनी चाहिए कि भाई चलिए अब लालू जी के लड़के सकारात्मक राजनीति करने की बात कर रहे हैं। कर तो सकते नहीं है, लेकिन कम से कम बात तो कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूं, अच्छी बात है। नए लड़के हैं, अगर इनके समझ में आए कि राजनीतिक सकारात्मक ही होनी चाहिए तो अच्छी बात है। जी हाँ, तो सुना आपने कि किस तरीके से प्रशांत किशोर बिहार सरकार पर जमकर हमला करते हुए गंभीर आरोप लगा दिए और साफ तौर पे कह दिए कि बिहार सरकार की सोची समझी रणनीति है और यही रणनीति के तहत मनोज झा से संसद में ये बयान दिलवाए और उसके बाद अब राजनीति गलियारे में हलचल मची हुई है और अहम जो मुद्दा था बिहार में बेरोजगारी का, बिहार में बढ़ते अपराध का, वो अब कोसों दूर रह गया। तो फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।